फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मौज एप्लीकेशन पे MFC मौज फोर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आपके भी अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी का ऑप्शन देखने को मिला होगा। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा जो है एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, तीन हफ्ता हो गया, चार हफ्ता हो गया, फिर भी अभी तक हमारे अकाउंट पर सबमिट डेट वाज इजी का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सबमिट डेट वाज इजी का जो ऑप्शन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसे मात्र आप लोग 8 दिनों के अंदर में पास कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे पास कर सकते हो, आज के इस वीडियोस में मैं आप लोगों को लैपटॉप पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियोस को एक लाइक कर तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारे जन टेस्टी वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देने करके वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं कि जब हम लोग मौज एप्लीकेशन पे MFC मौज फोर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो दो केसेस में जो है हमारे पास सबमिट डेट वाज इजी का ऑप्शन आता है। सबसे पहले केसेस होता क्या, जब हम लोग MFC मौज फोर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते ही हमारे अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी आ जाता है। अब यहाँ पे जब हमारे अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी आता है तो इसे हम लोग कैसे पास कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। साथ ही ये दूसरा जो केस होता है कि काफी सारे लोग जब MFC के लिए अप्लाई करते हैं उनके अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी रहता है, और जैसे वो क्या होता है, कोई गलतियाँ होता है, कुछ टेक्निकल इशू आता है, उनके बाद उनके अकाउंट पे विल बिगिनर्स हाफ डन दे दिया जाता है। अब जैसे कि उनका 30 दिनों का टाइम कंप्लीट होता है, किसी किसी का 18 दिनों का टाइम कंप्लीट होता है, और जैसे टाइम वो एक्सपायर होता है फिर से उनके अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी आ जाता है। तो आखिर ये केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों केसेस है, इस केसेस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि जब हम लोग मौज एप्लीकेशन पे MFC मौज फोर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और फर्स्ट टाइम जब हमारे अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि 7 दिनों का टाइम लग सकता है आपके अकाउंट को चेक करने में, पर यहाँ पे काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैंने अभी अप्लाई किया और पूरे के पूरे 14 दिन 15 दिन हो गए चुके हैं, फिर भी हमारा जो है MFC में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारे अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का जो है एक हफ्ता हो रहा है तो अभी तक आपको वेट करना, 2 हफ्ते तक, यानी कि कम से कम आप लोगों को 15 दिनों का यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि मौज ने खुद बताया कि आप लोगों को कम से कम 14 दिनों का वेट करना है। अगर हमारे ओपिनियन के हिसाब से चले तो आप लोगों को कम से कम जो है यहाँ पे 15 दिनों का वेट करना है, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों का 15 दिनों का टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद अगर आप लोगों का आपके अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी आता है तो आप लोगों को मात्र 8 दिनों के अंदर में MFC के लिए जो है आप लोगों को फीडबैक कर देना है। अब जैसे आप लोग फीडबैक करोगे मौज फोर के प्रोग्राम के तरफ में, फीडबैक जैसे करोगे आपके अकाउंट को चेक करेंगे, क्योंकि उनको जो है आपके अकाउंट के बारे में अंदाजा नहीं होता, उनको पता नहीं होता है, जिनके कारण आपके जो अकाउंट को रिव्यू नहीं करते हैं। तो आपको अपने अकाउंट को रिव्यू कराने के लिए उनको एक फीडबैक लिखना है और फीडबैक को आपको बताना कि मैंने इतने तारीख को MFC में अप्लाई किया था, आज इतना तारीख हो गया, और वहाँ पर बताया जा रहा कि मैं 7 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे उनको रिस्पॉन्स करोगे, फाइनली आपको रिस्पॉन्स करेंगे, देखेंगे आपके फीडबैक को और फिर से आप लोग का सिलेक्शन कर देंगे, या आपको अकाउंट पे कोई दिक्कत होंगे तो आपको वो दिक्कतें बताएंगे, जिसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों का मात्र जो है उतना ही जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा केसेस में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट पर सबमिट डेट वाज इजी आता है, उसके बाद उनके अकाउंट पर विल बिगिनर जॉब आता है। फिर से मैं आपको बता दूँ कि वीडियोस क्लास में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी अकाउंट पर दिक्कत है फिर भी आप लोगों का जो है अकाउंट रिव्यू हो सकता है, जल्दी से चेक हो जाएगा, तो वीडियोस क्लास में मैं आपको वो भी पॉइंट शेयर करूंगा, तो वीडियोस में बने रहना। चलिए बात कर लेकिन दूसरा जो केसेस में काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट पे विल बिगिनर जॉब डन आता है, जैसे विल बिगिनर जॉब डन आता है उसके बाद उनके अकाउंट के फिर से सबमिट डेट वाज इजी का ऑप्शन आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट पे विल बिगिनर जॉब डन आता है तो सिंपल सा वो कहता है कि आपका अकाउंट को आधा चेक कर लिया गया है, आधा चेक करना बाकी है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, अगर जैसे कि आपको बताया जाता है अगर आपके अकाउंट पर विल बिगिनर जॉब डन आता है तो आपको अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से रिव्यू करना होता है। अगर आप लोग अपने प्रोफाइल को रिव्यू नहीं करते हो तो फिर आपको दे दिया जाता है आपका अकाउंट पे सबमिट डेट वाज इजी, यानी कि फिर से बताया जाता है कि आपके अकाउंट को 7 दिनों के बाद जो है फिर से चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग पूरे चीज़ अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेते हो, अच्छे तरीके से चेक कर लेते हो, तो मात्र आप लोग का जो ये 7 दिनों का टाइम होता है, यानी कि यही 7 दिनों के अगर काम करोगे 7 दिनों के अंदर में, तो आप लोगों के सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे और आप लोगों का यहाँ पे सिंपली जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को दोनों केसेस में बताया कि आप लोग किस तरीके से MFC के लिए अप्लाई करना है, कैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा, कैसे आप लोगों को क्या करना है, और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसके कि अगर आपके अकाउंट पर सबमिट डेट वाज इजी आ रहा है या आपके अकाउंट पर विल बिगिनर जॉब हाफ डन रहा है फिर भी आप अपने अकाउंट को रिव्यू करा सकते हो, अच्छे तरीके से चेक करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौज फोर क्रेडिट प्रोग्राम की तरफ से एक फॉर्म लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया है।
अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से अगर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग वहां पे उस फॉर्म को फिल करोगे तो आपके अकाउंट को जल्दी से रिव्यू किया जाएगा या और आपको जो है जल्दी से जल्दी कॉल कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग का एक वैलिड इंस्टाग्राम होना चाहिए, एक वैलिड आपका फोन नंबर होना चाहिए जिससे कि टीम आप लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लोग देख पाओगे। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मोज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी चैनल टेस्टी वीडियो देखने को मिल रहा है। तो चलिए देर न करके वीडियोस कहीं पे समाप्त करते हैं।